जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हमारे गुरुजी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान बताया जो उपाय है, उसे ही आज जन साधारण भाषा में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है, कर्ज चुक नहीं पा रहा है और आपके सारे प्रयास बिल्कुल विफल हो चुके हैं, सारे तंत्र मंत्र आप अपना कर देख चुके हैं, तो फिर आपको खर्चा कम नहीं हो पा रहा है फिर भी, बल्कि कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा हो चुका है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको जो मैं आज उपाय बताने जा रही हूँ वो आप एक बार करके देख लीजिए। बिल्कुल मुफ्त में आपको ये उपाय करना है, घर की ही सामग्रियों से। तो आपके ऊपर चाहे जितना भी कर्ज क्यों ना हो, सिर्फ 2 या 3 मंगलवार अगर आपने ये उपाय कर लिया, बिल्कुल ही बागेश्वर धाम की कृपा से निश्चित रूप से आपका सारा कर्ज चुक जाएगा, बिल्कुल ही आप मुक्त हो जाएंगे। तो क्या है ये उपाय, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सबसे पहले हर रोज आपको मिल सके। अब जानते हैं कि आखिर ये उपाय करना कैसे है। कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय है। मानसिक तनाव को भी पूर्ण रूप से इस उपाय से आप दूर कर सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा ये उपाय है। अब आपको बता रही हूँ, सबसे पहले तो आपको बागेश्वर धाम महाराज का नाम लेते हुए इस उपाय को करना प्रारंभ करना है। तो कैसे करना है, चलिए पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं। अपने घर पर आप थोड़े से चावल लेंगे, जी हाँ, जिन्हें राइस भी कहा जाता है, चावल या तंदूर भी इन्हें बोला जाता है, बिल्कुल ही कटे फिटे नहीं होने चाहिए, उसे अच्छे से बारीक महीन आपको पीस लेना है, क्योंकि चावल बहुत कठोर होते हैं जिस वजह से वो आसानी से पिसते नहीं है। यदि ऐसे पीसने में आपको समस्या हो रही है, तो आप चावल को कटोरी में रात भर या फिर 2 घंटों के लिए भिगो लीजिए, और उसके बाद जब वो बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे तब आप इसे आसानी से पीस सकते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, तो थोड़े से चावलों को आपको पीस लेना है। फिर दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको थोड़ी सी शुद्ध हल्दी लेनी है, बिल्कुल खड़ी जो हल्दी होती है, खड़ी हल्दी, वो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल पाए तो आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं, या खड़ी हल्दी मिलती है तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। तो आपको हल्दी का एक गांठ लेना है, बाज़ार में आपको आसानी से 5 रुपये या 10 रुपये में मिल जाएगा, और पिसा हुआ पाउडर लेते हैं तो 5-10 रुपए में आपको बिल्कुल ही पाउडर भी मिल जाएगा। तो 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और आपको अगर आपके घर के किचन में खाने में हल्दी इस्तेमाल हो रही है तो उसका भी प्रयोग आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। घर की हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि साफ़ सुथरी हल्दी आपको पैकेट वाली लेनी है, जिस पर बिल्कुल भी शुद्ध हाथ हो, अशुद्ध हाथ ना लगे हो। तो अब ये 2 काम हमने कर लिए, पहले तो हमने चावलों को अच्छे से पीस लिया, और दूसरा काम हमने जो थोड़ी सी हल्दी थी उसे भी पीस ली, या फिर पिसा हुआ पाउडर ले लिया। अब बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि अब आगे हमें करना क्या है। इसके बाद आप खुद किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में आप मंगलवार के दिन से इस उपाय को शुरू करेंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह के समय में मंगलवार के दिन उठ करके एक कलश में, एक लोटे में आपको पानी लेना है, और लेकिन जिस चावल का आपने पेस्ट बनाया है उस चावल के पेस्ट को आप इस लोटे के जल में मिला देंगे। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने जिस लोटे में जल लिया है उसमें जल पूरा ना भरें, बल्कि थोड़ा सा खाली रखें, ताकि जब आप चावल का पेस्ट उसमें डालें तो वो जो चावल है पानी के साथ मिलकर बाहर ना निकल जाए। उसे जो चावल का पेस्ट है उसे जल में डालने के बाद आप अच्छे से मिला लीजिए। हो सके अगर आपके पास घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिएगा, और अब इसी में 4 चुटकी आपको हल्दी भी डाल देनी है, ठीक है, लोटे में ही आपको डाल देनी है। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये नहीं करना है कि मंगलवार के दिन उपाय करना है लेकिन चावल आप 4 दिन पहले ही पेस्ट बनाकर रख लें, जी नहीं, आपको मंगलवार के दिन ही इस काम को करना है, या फिर हो सके तो सोमवार की शाम के समय में आप कर सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले आप कर लें, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपने लोटे में तैयार कर लिया है जल को, चावल का पेस्ट और हल्दी डालकर, अब आपको पहुंच जाना है किसी भी
बागेश्वर धाम के मंदिर तो आप नहीं जा सकते, लेकिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको चले जाना है। मन में बागेश्वर धाम को स्थापित करके ही जाना है, ठीक है। हनुमान जी वही है, किसी भी घर के आसपास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको चले जाना है। अब आपको ये देखना है कि हनुमान जी के जो मंदिर है उसके आसपास में कहीं पर भी बरगद का वृक्ष हो, और बरगद का वृक्ष वो हो जिसमें से जटाएं निकली हो, ठीक है। अब आपको जल लेकर वहाँ चले जाना है और जो बरगद का वृक्ष है उसकी जड़ में इस जल को धीरे धीरे डालना है, और डालते हुए आपको अपने मन में बागेश्वर धाम का नाम लेते हुए जल डालना है। अब एक चीज़ आपको वहीं पर करनी है, कर्ज चाहे आपके ऊपर हो, आपके पति के ऊपर, भाई के ऊपर, पिता के ऊपर, जिस भी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है और आप वो चुकवाना चाहते हैं, तो आपको मन में ये चीज़ बोलनी है कि हे बागेश्वर धाम, मेरे पति या भाई जिनका भी आप कर्ज चुकवाना चाहते हैं, या फिर अपना नाम लेते हुए ही, और जिससे आपने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है, यानी कि फलां व्यक्ति से मैंने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है, कृपया करके मेरा कर्ज चुकाने में मेरी मदद कीजिए, मैं कहीं से भी धन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, कृपया करके मेरी बंद किस्मत का ताला खोलिए। इस प्रकार से आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं, जो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कर्ज मुक्ति के लिए, आपको वो जल चढ़ाते हुए ही उसी समय के दौरान बोला है। अब आपको जल तो चढ़ाना है, ये आपको लगातार 3 मंगलवार करना है। ध्यान से चीज़ों को सुनते समझते हुए चलिएगा, बहुत ही जनसाधारण भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने जो चीज़ें बताई है उन्हें ही जनसाधारण भाषा में बता रही हूँ। 3 मंगलवार लगातार आपको ये चीज़ करनी है, नहा धोकर चावल और हल्दी वाला जो जल है आपको ले जाकर बरगद वृक्ष में चढ़ा देना है। वहाँ से आपको एक छोटी सी जड़ लेकर आनी है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जड़ वो होनी चाहिए जो जमीन में से निकली हो, ठीक है। जो जटाएं होती है वो आपको नहीं लानी है, जड़ लेकर आनी है, और जड़ छोटी सी लेकर आप अपने घर पर आ जाएं और उसे किसी लाल कपड़े में या फिर धागे में अच्छे से आपको गले में पहन लेना है या फिर जेब में रखना है, और ये चीज़ आपको 2-3 महीने तक करके रखनी है। गुरुजी का कहना है कि जैसे जैसे जड़ फैलती है, आपने देखा होगा बरगद हमेशा अपनी जड़ों को फैलाता है, जैसे जैसे जड़ फैलेगी वैसे वैसे माता लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होगी। चाहे कहीं से भी पैसा क्यों ना आए, लेकिन आएगा इतना पैसा कि कर्ज भी चुक जाएगा और साथ ही साथ आपके घर की पूरी गरीबी तंगी दूर हो जाएगी। 7 जन्मों तक की गरीबी दूर कर दे, इतनी ताकत इतनी क्षमता होती है इस चीज़ में। एक बार इस उपाय को पूरे मन और विश्वास के साथ करके देखिएगा, बागेश्वर धाम की ऐसी कृपा होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 मंगलवार ध्यान रखिएगा, 3 मंगलवार लगातार आपको इस उपाय को करना है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी प्रकार से निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलते हो अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।